नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना टालीपीप्स टीवी चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। चलिए बात कर ली जाए कलर्स टीवी के द मोस्ट पॉपुलर शो दुर्गा की। गाइस, सीरियल दुर्गा की कहानी में आप देख रहे हैं कि राजेश ने किस तरीके से दुर्गा की खूब पिटाई की है, जिसकी वजह से दुर्गा की हालत काफी नाजुक हो चुकी है। और जो मीरा है ना, वो दुर्गा को बचाने की, उसकी मदद करने की भरसक कोशिश भी कर रही है। ऐसे में अनुराग जो है, उसे पता चलने वाला है दुर्गा की इस हालत का और वो उसका इलाज करने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो अनुराग है वो दुर्गा से नाराज है, उससे गुस्सा है, उसकी यादों से बाहर निकलना चाहता है। लेकिन जब वो दुर्गा की इतनी दयनीय स्थिति देखता है तो उससे रहा नहीं जाता है और वो दुर्गा के पास से हटना भी नहीं चाहता है। उसका इलाज करता है और उसे जो है ठीक करने की कोशिश करता है। और तब यहाँ पर मीरा उसे सच्चाई बताती है कि आखिरकार दुर्गा ने क्यों की राजेश जैसे आदमी से शादी। अब यहाँ पर जो वो राज है, जो कि पानी बाव और हमारी प्यारी सी दुर्गा की जिंदगी को खराब करके रख चुकी है, पानी बाव और विक्रम की गंदी सोच की वजह से दुर्गा की जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। और ये सब कुछ वो इसलिए सह रही है ताकि अनुराग खुश रहे, उसकी जिंदगी में कोई परेशानी ना आए, क्योंकि बचपन से ही दुर्गा ने अनुराग से, यानी छोटे कुंवरसा से प्यार किया है और उनके लिए वो कुछ भी कर सकती है। तो फिर राजेश से शादी करना कौन सी बड़ी बात थी। जब मीरा ये सारी चीजें अनुराग को बताती है तो अनुराग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वो शॉक हो जाता है और वो फैसला करता है कि वो दुर्गा को उस राजेश जैसे इंसान के साथ नहीं रहने देगा और पानी बा की शर्त से उसे आजाद भी कराएगा और अपनी दुर्गा को किसी और को नहीं होने देगा। ऐसे में अब कहानी ले रही है एक नया मोड़, जहाँ पर दुर्गा ठीक होगी। ठीक होने के बाद दुर्गा क्या फैसला करती है, क्या वो अनुराग के साथ रहना चाहती है या फिर वो अपनी लिखी हुई जिंदगी राजेश के साथ जैसे अब तक बिता रही है वैसी ही बिताएगी, या फिर यहाँ पर दुर्गा और हमारे अनुराग बाबू दोनों मिलकर राजेश की इस घटिया हरकत की उसे सबक सिखाएंगे, सजा दिलाएंगे। तमाम चीजें काफी इंटरेस्टिंग होगी, हम सब मिलकर देखेंगे और ऐसे इंजॉय करेंगे। ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल टालीपीप्स टीवी को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों।